वेलकम टू मॉड्यूल फ़ोर ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस आज बेसिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस क्या है क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं क्या इनमें कोई डिफरेंस है वट इट इज तो बहुत सारे लोग इवन इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड वो दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और उसमें कुछ चीज़ें डेफिनेटली ओवरलैप करती हैं बट देर देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि डेटा साइंस में और डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम उसको दे आर वेरी ईजी वेज़ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ टाइम देखिए डेटा एनालिटिक्स जो है ना वो हम करते हैं हमेशा पास्ट डेटा पे पास्ट डेटा मीन के जो इन्फॉर्मेशन एक फैक्ट है जो काम हो चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते उसके ऊपर जो एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं वो होता है आपका एनालिटिक्स और जो हम बेस्ड ऑन पास्ट डेटा उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल इंफ्रेंस की कोई टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और फिर हम उसको उसकी बेस पे कुछ फ्यूचर प्रडिक्शंस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेटा साइंस उसके फिर अपना दोनों के अपने अपने जो हैं वो प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों की अपनी लिमिटेशन हैं एनी वेज दिस इज़ द मेजर डिफरेंस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कि जो आपका डेटा एनालिटिक्स है अब मैं अगर उसको एक दूसरे एंगल से आपको एक्सप्लेन करूँ तो हमने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है इंफ्लेंशियल तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है दैट इज़ जो कि उसके नाम से ही पता चलता है वो डिस्क्राइब करती है पास्ट को फर्ज करें एवरेज जो स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं एज है इसी तरह को पॉपुलेशन है को वोटर्स की लिस्ट है वो कोई भी ऐसा काम जो ये सेल्स है किसी कंपनी की या नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र है किसी कंपनी में किसी कंट्री में कहीं पे भी वो सारे का सारा वो काम है जो कि फैक्ट्स है अबाउट समथिंग अबाउट सम पॉपुलेशन सम सम्पल्स और उसकी बेस पे आप जो भी डाटा डिस्क्राइब करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिक्स और जब आप उसके बाद उसी डाटा को यूज़ करते हो स्टैटिस्टिकल मॉडल अप्लाई करते हैं और उसमें हम जो दूसरी टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस वो यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली दोनों का मेजर डिफरेंस है और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि डेटा एनालिटिक्स कैन बी डन इंडिपेंडेंटली लेकिन जो आपका इंफ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है डेटा साइंस है उसके लिए डेटा होना ज़रूरी है तो जो दोनों एक दूसरे पे डेटा साइंस जो है वो इस पर डिपेंड करती है जबकि एनालिटिक्स उस पर डिपेंड नहीं करता तो ये कुछ मैंने कोशिश की है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कि दोनों में डिफरेंस क्या है और इसके अंदर जो एनालिटिक्स और इसमें बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि कॉमन है कुछ डिपेंड इंडिपेंडेंट है कुछ कॉमन है तो जो इंटरसैक्शन में आप चीज़ें देख रहे हैं उसके अंदर डेफिनेटली जो स्टेटिस्टिकल स्किल्स हैं वो होनी ज़रूरी हैं यू शुड हैव और एनी डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट दोनों के पास ये स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बड़े ज़रूरी है एस क्यू एल की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी ज़रूरी है कि डेटा होता क्या है डेटा स्टोर कहाँ पे होता है डेटा को आप मैनुपलेट कैसे कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल उसके आप उसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो ये बेसिकली वो कॉमन सेट ऑफ स्किल्स है जो कि आपके पास होना बड़ा ही ज़रूरी है फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो एलगोरिदम वगैरह आप यूज़ करते हैं उसके लिए आपको ख़ास किस्म की टेक्निक चाहिए और जो कुछ है जैसे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ है वो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप पास डेटा पे भी अप्लाई करके कुछ ना कुछ फोरकास्टिंग कर लेते हैं तो बेसिकली ये एक पूरा स्किल सेट है जो कि हमारे पास होना चाहिए जब हम इनको दोनों को कंपेयर करते हैं देन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू कंपेयर एंड अंडरस्टैंड बोथ लेकिन जैसे कहा कि जो इंटरसेक्शन वाला एरिया ये चीज़ें कॉमन है जो कि दोनों में और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी कंपनीज में ये चीज़ें ओवरलैप भी करती हैं और जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी ओवरलैप करती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ़ द जॉब रोल और द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिविजुअल और फिर इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने अनालस करना है आपने फोरकास्टिंग करनी है आपने डेटा साइंस अप्लाई करनी है आपने मशीन लर्निंग अप्लाई करनी है तो ये जो हमने स्ट्रेटजी की बात की थी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बिज़नेस प्रॉब्लम्स की उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अब हम देखेंगे जो डेटा एनालिस्ट और डाटा जो साइंटिस्ट है उनका रोल क्या है तो बेसिकली ये जो डाटा साइंटिस्ट है उसका काम ये होता है कि वो डेटा मॉडलिंग करता है बेसिकली बेस्ड ऑन पास डाटा उसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम है डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हैं रिस्क जो फ़र्ज करें आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की या बैंकिंग इंडस्ट्री के वो जब लोन देते हैं तो वो रिस्क असेसमेंट करते हैं इसी तरह इंश्योरेंस वाले जब इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड करते हैं फ़र्ज़ करो आपने गाड़ी की इंश्योरेंस लेनी है या किसी ने लाइफ इंश्योरेंस लेनी है तो उसमें जो टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं वो काम डेटा साइंटिस्ट का है। आज इन अ मॉडर्न वर्ल्ड वो ये ये सारे काम बेसिकली अब डेटा साइंटिस्ट करता है कि उनको बताता है कि अगर आप इतना प्रीमियम लेंगे इतने लाख लोग आपसे इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज करेंगे तो दिस इज़ दी चांस और इसमें ये रिस्क है किसी भी इंश्योरर के लिए या अगर आपने वो फ़र्ज़ कहें लोन दिया है बैंक ने तो उसमें क्या रिस्क है कि वो बंदा लोन वापस करेगा या नहीं करेगा इस तरह के काम है इसी तरह फिर टेलीकॉम की इंडस्ट्री में आप चले जाए तो वहाँ पे जो डेटा साइंटिस्ट है वो ये देखता है कि ये बंदा इस किसी एक ए बी सी एक्स वाई सी कंपनी का अगर सिम यूज़ करे तो क्या चांसेस हैं कि वो कंपनी के साथ रहेगा या छोड़ के चला जाएगा तो इस तरह का काम बेसिकली डेटा साइंटिस्ट करता है अब इसके कुछ जस्ट टू फर्दर डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग हम हेल्थ साइंस के अंदर हेल्थ केयर के अंदर अगर यूज़ केसेस देखें तो आपको ये देखना पड़ता है कि फर्ज करें देर दे वेरी वेरी फैटल डिजीज़ खुदा ना खासता कैंसर की हम बात करें हम किसी और चीज़ की अगर बात करें तो बे बेशुमार बीमारियाँ आजकल जो कि इस दुनिया में है दैट इज़ वन ऑफ़ द बिगेस्ट चैलेंज और जो हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है ये भी दुनिया की एक बहुत बड़ी मे बी वन ऑफ़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री जो है मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज़ के जिनमें से एक हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो वहाँ पर जब कोई डिफरेंट मेडिसिन बनती हैं या डिफरेंट वैक्सीन बनती हैं तो उसके लिए बहुत सारा डाटा जो है वो प्रिपेयर किया जाता है उसके ऊपर काम किया जाता है इसी तरह जो फिर आपके जो पेशेंट्स हैं उसके ऊपर जो उनके रिकॉर्ड होता है उसको वो स्टडी करते हैं और उसकी बेस पे दैन दे डिसाइड ये जो बेसिकली ट्रायल होते हैं वैक्सीन के डिफरेंट मेडिसिन जो भी नई मेडिसिन बनती है उसका ट्रायल होता है पेशेंट के ऊपर उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि इसके क्या चांसेस हैं कि ये जो मेडिसिन है ये जो है उसको डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट लोगों के ऊपर बेसिकली ट्राई किया जाता है वैक्सीन को भी और आम जो मेडिसिन होती है फर्ज कर कोई डायबिटीज़ की है या कोई किसी और भी डिज़ीज़ की तो उसका एक पूरा क्लिनिकल ट्रायल होते हैं और उसका डाटा इकट्ठा किया जाता है फिर उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करके तो कुछ ना कुछ उससे वो जो रिज़ल्ट है वो एनालाइज़ uh, करके वो किए जाते हैं कंकलूड कंक्लूजनस होती हैं बेसिकली कि ये ये जो मेडिसन है ये इस एज ग्रुप के लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है इसके लिए इतनी है डोज़ कम करनी है ज़्यादा करनी है तो ये सारे का सारा बेसिकली आपका जो इसकी जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हैं जो यूज़ केसेस हैं हेल्थ केयर और फार्मा में वो इससे रिलेटेड है अब अगर हम देखा हमने एनालिटिक्स डेटा साइंटिस्ट का रोल और अब हम देखते हैं डेटा एनालिस्ट तो डेटा एनालिस्ट है बेसिकली वो पास डेटा के ऊपर काम करता है अगेन मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा इसकी ई एम आर या इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स की तो इसके अंदर जब हमारे पास किसी एक हॉस्पिटल या किसी एक डिस्ट्रिक्ट या नंबर ऑफ हॉस्पिटल का डाटा जब हम इकट्ठा करते हैं तो देन वी नो के जो पेशेंट उसकी डेमोग्राफी उनकी डिजीज़ उनको आपस में कोरिलेट करके फिर हम एनालाइज़ करते हैं कि किसी ख़ास डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई खुदा ना खासता तो ये ये होता है अक्सर कि फ़र्ज़ करें किसी एरिए में पानी में आयोडीन बड़ी ज़्यादा तो वहाँ पर कोई ख़ास डिज़ीज़ पाई जाएगी स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर उस एरिया के जो पेशेंट हैं उनमें वो पाई जाती है तो इस तरह से फिर वो ये पता चलता है जी कि वहाँ पे पानी ठीक नहीं है या वहाँ पे कोई जो वाइल्ड लाइफ है वो इम्पेक्ट हो रही है जो ओवरऑल एकोसस्टम है जो नेचुरल सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने दिया वो अफेक्ट हो रहा है तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट जब इस तरह के डेटा पे काम करता है तो इस तरह की चीज़ें हैं वो फाइंड आउट होती हैं और ये चीज़ें फिर आपकी पॉलिसी मेकिंग में इन चीज़ों में यूज़ होती हैं फर्ज़ करें आपकी जो हेल्थ पॉलिसी है आपके कंट्री की जो यहाँ कोई पानी के लिए जो कोई वाटर या जो भी बॉडी है अपना गवर्नमेंट की इन पर काम करती है वो लोग फिर इस डाटा को यूज़ करते हैं उसकी बेस पे वो अपनी प्लानिंग करते हैं और इसमें और भी कई अपना जो एग्जांपल है वो हम दे सकते हैं कि किस किस तरह से जो डाटा है हमारा ये यूज होता है पास्ट डाटा बेसिकली जो कि डाटा एनालिस्ट करता है फिर जो उसकी आपके डिफरेंट टेस्ट हैं फर्ज करें कि ये जो एक्स रेज हैं ब्लड टेस्ट है यूरिन टेस्ट है और ब्लड प्रेशर है डायबिटीज़ है डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर जो उनका पेशेंट का जो एक वो पैटर्न होता है डिफरेंट एज ग्रुप्स डिफरेंट जेंडर्स और फिर उनकी जो उसके ब्लड ग्रुप्स के जो आपके रिजल्ट्स है वो किस तरह से वेरी करते हैं किस एज में किस नॉर्मल रेंज में रहते हैं उनके ऊपर कौन सी मेडिसन ने ज़्यादा अच्छा असर किया कितने लोग कितनी जल्दी ठीक हुए कौन लोग ठीक नहीं हुए और ख़ुदा ना अगर कुछ लोगों की डेथ हो गई तो वट वॉज़ देयर कॉज बेसिकली ये सारी चीज़ें फिर हमें हेल्प करती हैं कि हम डिफरेंट जो फर्ज करें हॉस्पिटल हैं उसके अंदर डिफरेंट जो अरेंजमेंट है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है या ऑक्सीजन है फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसको प्लान करते हैं फिर बेस्ड ऑन पास डाटा के हमारे पास हर वक्त इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए तो इस तरह हेल्थ से रिलेटेड जो आपने देखा कि डाटा एनालिस्ट क्या कर सकता है और डेटा साइंटिस्ट क्या कर सकता है दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रोल्स एंड दीज टू आप कह सकते हैं कि जो डोमेन्ाटा एनालिस्ट एंड डाटा साइंटिस्ट थैंक यू